शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 13। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 13। अम्नोन का कुकर्म करना और मार डाला जाना। इसके बाद तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन का योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था, और उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जा रहा है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूं। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। और अम्नोन लेटकर बीमार बना, और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते दो पुरिया बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। और दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा कि अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंधा और उसके देखते पुरियां पकाई। तब उसने थाल लेकर उनको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इसराइल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए, ऐसी मूर्ता का काम न कर, और फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहां जाऊंगी, और तू इसराइलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहां तक कि वह बैर उसके पहले मुंह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी न सुनी। तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलवाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थी वे ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। सो अम्मोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें
दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुंझला उठा और अबशालोम ने अमनोन से भला बुरा कुछ न कहा क्योंकि अमनोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा रखता था। 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने एप्रेम के निकट के बाल्हासोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया और अबशालोम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है। इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के यहां चले। राजा ने अबशालोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब न चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशालोम ने उसे विनती करके दबाया परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया। तब अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अमनोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उसे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? परंतु अबशालोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अमनोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। और अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सावधान रहो, और जब अमनोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अमनोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? हियाव बांध कर पुरुषार्थ करना। तो अबशालोम के सेवकों ने अमनोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अमनोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात ठनी थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अमनोन ही मर गया है। इतने में अबशालोम भाग गया और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख राजकुमार तो आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिखल बिखल कर रोने लगा। अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तलमय के पास गया और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। अबशालोम के राजद्रोह की गोष्ठी। जब अबशालोम भागकर गशूर को गया तब वहां 3 वर्ष तक रहा और दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अमनोन जो मर गया था इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई।